और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गोला गोकरनाथ उपचुनाव जुड़ी खबर ये आई है सामने पड़ी कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई। देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि अमन गिरी बढ़त बनाए हुए हैं और अब ये बड़ी जानकारी हाथ लगी है कि अमन गिरी जो है जीत दर्ज करते हुए नजर आए हैं। अमन गिरी ने विनय तिवारी को हरा दिया। अमन गिरी बीजेपी के प्रत्याशी, सीधे तौर पर देखा जाए तो बड़ी जीत बीजेपी के लिए उपचुनाव में। गोला गोकरनाथ उपचुनाव जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमन गिरी ने जीत हासिल की है, सपा के विनय तिवारी को हरा दिया, उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली। बड़ी जानकारी आपको दे दें, हालांकि पहले से ही जिस तरह के जो खबरें सामने आ रही थी, रुझान सामने आ रहे थे, उसके अनुसार यही अनुमान था कि अमन गिरी को जीत मिल सकती है। जैसे जैसे वोट की गिनती हो रही थी वैसे वैसे तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही थी। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि 86,949 वोट से जो है अमन गिरी आगे चल रहे हैं। सपा के विनय तिवारी को 55,741 वोट मिलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब बड़ी जानकारी है कि बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी की जीत तय हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, उपचुनाव में साफ तौर पर अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि बीजेपी के पाले में सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल, अमन गिरी अब नए विधायक होंगे गोला के, और भूपेन चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं दे दी हैं। और विशाल मैं आपके पास आऊंगी, भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से, सीधा हम उनसे बात करेंगे। भूपेंद्र चौधरी जी स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अब जीत आपके नाम पर दर्ज होती हुई नजर आ रही है, जो अमन गिरी है उन्होंने जीत हासिल की, क्या कहेंगे सर? गोला गोकर्णा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का आभार, अभिनंदन, उनकी मेहनत तपस्या का परिणाम है। और भाजपा के जो कार्यकर्ताओं ने वहाँ मेहनत की और अपनी बात को, हमारी सरकार के विषय को घर घर पहुंचाने का काम किया, तो गोला की महान जनता का अभिनंदन, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया, उस सरकार के काम को हम जन जन तक पहुँचाने में सफल रहे, और भारतीय जनता पार्टी हम इस ऐतिहासिक परिणाम को प्राप्त करने में सफल रही है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और जो जनता ने गोला की विश्वास व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, हम निश्चित रूप से सबको साथ लेकर चलेंगे और सबकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। जी भूपेंद्र जी, यहाँ पर मेरे सहयोगी है विशाल, वो भी कुछ सवाल करना चाहते हैं आपसे। विशाल जी, जी 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 प्रदेश अध्यक्ष जी, आप लगातार यहाँ पर कैंप किए, प्रवास किए, यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ आप मिलते रहे, क्योंकि ये आपको प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली जीत है, तो इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये आपकी पहली जीत है? पूरा भारतीय जनता पार्टी के जो असंख्य कार्यकर्ता जिन्होंने तपस्या वहाँ की, मेहनत की कार्यकर्ताओं ने, और गोला की महान जनता को जिन्होंने इतना बड़ा जनादेश देकर भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है, भाजपा की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है, और मेरी सरकारों ने जो केंद्र की सरकार में योगी मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, वो काम के आधार पर हम लोगों ने जनादेश मांगा, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी रिपोर्ट कार्ड सहित पूरी सरकार का अपना काम काज सहित हम लोगों ने जनता के बीच में रखा, और गोला की जनता का आशीर्वाद हमें मिला है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ सबको, अपने हमारा युवा प्रत्याशी अमन गिरी विधायक के रूप में सबकी अपेक्षाओं को पूरा करेगा, ऐसा मेरा आग्रह है। भूपेंद्र जी, एक तरफ तो आप नए प्रदेश अध्यक्ष जी एक बहुत अच्छी बात ये रही बीजेपी के फेवर में। जी विशाल पूछे। प्रदेश अध्यक्ष जी, एक बड़ी अच्छी बात ये रही कि बीजेपी मुस्लिम जो बाहुल इलाके थे वहां पर भी वोट पाई है, लगातार वहां पर भी आंकड़े जो है बढ़े हैं, तो ये कैसे संकेत है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, क्या ये बिल्कुल?